हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा पुल बनाओ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोकसभा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुल बनांदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुल बनांदी मुर्दाबाद। दोस्तों देख सकते हैं आज जो बिरजपाल अपने काफले को लेकर जिला यमुनानगर डीसी को वेलकम देने के लिए पहुंचा है यहां पर पुल के लिए, देख सकते हैं कैसे नारे लगाते नजर आ रहे, और साथ में देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी साथ में है, और ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं जुन्नी चौधरी बिरजपाल द्वारा विधानसभा से उम्मीदवार है और प्रशासन के साथ डीसी को वेलकम देने के लिए आज यहां पर पहुंच रहे हैं। जो भी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करते रहे यमुनानगर डीसी ऑफिस से। वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करते रहो भाई यमुनानगर से। देख सकते हैं यहाँ जो डीसी दफ्तर पे पहुंच गए हैं, प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे। मांग तो लंबी समय से हो रही है, तो अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी कौन कौन से गाँव के आए हैं लोग? जैसे मध्यपटनी इब्राहिमपुर, अच्छा, और जैतपुर से नगड़ा, और नगड़े से राजपुर, अच्छा, और एक रामपुर से हैदरपट। ये सभी गांव के लोग हैं? हाँ सभी गांव के लोग हैं। तो पुल बन जाएगा तो क्या बेनिफिट होगा, कितने गाँव को जोड़ते हैं? सैकड़ों गाँव। अच्छा, ऐसा जो मध्यपुर से इब्राहिमपुर वाला पुल है उसके बनने से वो मतलब तीन स्टेट के लोग जाते हैं, और सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर पुल की वजह से जो हमारे हरियाणा के स्कूली बच्चे, कई गांव के बच्चे वो हिमाचल के स्कूल में पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और सर्वनाश बात क्या सरकार के लिए। तो क्या ये विधानसभा में मसला उठा था कांग्रेस सरकार ने? नहीं, विधानसभा के अंदर से जो विधानसभा के सदस्य उनसे पूछियो, लेकिन हम तो अपने ग्राउंड में उठा रहे हैं, सड़क पे उठा रहे हैं, ये तो उनकी जिम्मेवारी है जो उनसे बन रहे हैं। परमानेंट जिंदाबाद, हमारा धरना जिंदाबाद, परमानेंट जिंदाबाद, पुल बनवा के रहेंगे जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बातरी सुन दे मुर्दाबाद, बातरी सुनती मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजबल छप्पर जिंदाबाद, बड़ा तलेट जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो, पूरी
अंदर आ जाओ, आप सारे आ जाओ, नहीं सारे ये पूरा एरिया इकट्ठा है जी। मैं तो कह रहा था साफ कह रहे भी आज सारे आ जाए, जो प्रोटोकॉल ये साफ जब भी आ जाओ सारे आओ, या तो साफ प्रोटोकॉल आप कह रहे आ जाओ सारे आओ। हाँ जी बताओ, मैं हाँ बतावे बढ़िया बतावे, मैं बैठा लिया उन्हें सारे। अरे जो अपने पहाड़ का ना, मैं जो उससे मेरी बहारा का बात नहीं सुन सकते, वो मेरा हल क्या करेंगे बता, उसकी हल करने की नहीं तो बाहर आ जाना। ये तो हमने अपने अपने ठीक के करवाना पड़ा, जो अपने पहाड़ का फेंक दिया और फिर वो हम चलने लगे, और चलने लगे दो मिनट बाद वही उतरे उनके बाघ मार एसपीडी जी उतरे आए तो इन बंदे जिस तरह जितना पहुंचे मतलब दोबारा बाद मारी आओ 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 फटाफट लेट जो है गड्डी का अड्डा, गड्डी के अड्डा पड़ गई नीचे उतरे, हाथ जोड़े, माफी मांगी और कुछ टाइम पर मतलब 49 दिन तो लगे करने का, और डीसी गड्डी प्रकार है एसपी गड्डी प्रकार है, और 47,40,000 रुपया में दे रहे थे जमीन का, 47,40,000 47,40,000 और जे अड़ गए भाई फिर करोड़ पता करोड़ लगा वो सारा कुछ बना कर भाई, पहला गंदा ही बरसा गया, पहला भाई मुकदमे भी बना गई जेल में पड़ेंगे तो लड़ाई लड़ाई लिखी के तौर काम तो सारे ही होने करवाओगे तो ये सारे होने फिर तरह जो उसका काम करवाना है वह भी होगा, दो महीने रह रहे थे सब का इन्हीं का नाश तो कर दो, ये जो उसका दूसरा होगा वह काम का होगा मारी कर क्या हुआ फिर उसका भी करेंगे लाजी करने में इलाज भी सुन ले, एक बंदा कफन तारे करा था मुर्गिया की और गांव तो कहीं है जी, तो पुल की बड़ी समस्या थी और पुल न होने की वजह से हरियाणा के बच्चे हिमाचल के स्कूल में पढ़ते हैं, पास ही हिमाचल के गांव है जी करोड़े जी, तो हमारी यही है बक्सा से पहले ना जी छोटे छोटे पुल, बड़े पुल नहीं है जी, बड़े हुए हैं नहीं बड़े नहीं है सर, बड़े ही नहीं है बढ़ने हैं बढ़ने हैं बड़ी और ये सर देखो हिमाचल के एक गाँव है जहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसने भी सरपंच मोल कर पिछले साल दो बच्चे को बोले गए ये रिपोर्ट ठीक है।
तो थोड़ी सी बरसात में इधर के लोग इधर इधर के लोग सर हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे और यही रिक्वेस्ट करने के लिए सवेरे से हम बैठे हैं आपके लिए। ठंडे माहौल में क्यों नहीं आए? ठंडे में कह रहा था कि इसी में बैठा के चाय पिला के बात सुनूंगा सारी। मेरे पास वो परसों टाइम लेके एडवांस चढ़ूनी थी वो यूनियन रुआ के उससे पहले समाधान शिविर 15 मिनट में रोटी खा के कोर्ट में बैठूंगा। मैं ऐसे भाग दौड़ में मैंने 4 बार बुलाया आपको आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। आपका ही दफ्तर है ये पब्लिक का है सारा जो हिसाब का ही है। नहीं आओ तो फिर आओ बिल्कुल करेंगे 25 किलोमीटर आप भी मारे।